मणिपुर इस्यूते आलोचन राजी केंद्रीय सरकार बिरोधी चापे पड़े आलोचन राजी हो केंद्रीय स्वराष्ट्रमंत्री क्योंकि एमटे संसदे बिरोधी के स्वागत जानिएछेन जाते तारा आलोचनाते अंशग्रहण करें कि केंद्रीय स्वराष्ट्रमंत्री शुनाब आपनादेर गण आप दो तीन दिन से मणिपुर की चर्चा की बात कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी यहाँ पर आए हैं, मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि सदन के सामने माननीय अध्यक्ष जी, मेरा विपक्ष के सभी सम्माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। আপনারা শুনলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, তিনি বলছেন যে সরকার মণিপুর ইস্যু নিয়ে আলোচনায় রাজি রয়েছে সংসদে, বিরোধী সাংসদরা এই আলোচনায় অংশ নিন। তবে বিরোধীদের যে দাবি ছিল যে প্রধানমন্ত্রীকে এ নিয়ে বক্তব্য রাখতে হবে সংসদে, মণিপুর ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য পাওয়া যায়নি। শুধুমাত্র 78 দিন পরে একটি ভিডিও নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য পাওয়া গিয়েছিল, সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু সামগ্রিকভাবে মণিপুর ইস্যু নিয়ে তার কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তাই সংসদে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য দাবি করেছেন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি।